सर आज क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले हैं, कोरोना काल में तो बहुत सारी जो आप लोगों की योजनाएं थी वो ठप हुई है। योजना तो सरकार का था ना, योजना हम लोगों से 2 करोड़ रुपया लिया गया सब विधायकों से। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव इन दिनों काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है वो इसलिए क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों पहले भी वो बिहार के अलग अलग अस्पतालों का दौरा कर रहे थे और अब एक बार फिर से वो अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि हसनपुर के दौरे के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की तरफ से जो काम किए गए हैं वो कहीं से भी सही नहीं है, जनता की समस्याओं का समाधान उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है, इसलिए अब खुद ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी और अगर जनता ने मुझे चुनाव में पसंद किया है, मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, किस प्रकार हसनपुर के दौरे के लिए निकल रहे हैं, आप पहले उनकी बातों को सुनिए और उन तस्वीरों को देखिए। सर आज क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले हैं, कोरोना काल में तो बहुत सारी जो आप लोगों की योजनाएं थी वो ठप हुई है। योजना तो सरकार का था ना, योजना हम लोगों से 2 करोड़ रुपया लिया गया सब विधायकों से, और वहाँ कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोरोना के नाम पे केवल इन लोगों ने घोटाला करने का काम किया सरकार ने, और हमारा विधानसभा वहाँ से जीते हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं, हम जा रहे हैं क्षेत्र। सर जिस तरह से कल खबरें निकल कर आ रही थी कि जगदानंद सिंह आपसे नाराज चल रहे हैं, इस कारण उन्होंने अपना इस्तीफा भी पेशकश किया है। कहाँ इस्तीफा दिया उन्होंने? उन्होंने यह भी बोला है कि मेरा हाथ नहीं चलता है, मेरा कलम चलता है। नहीं, कहाँ इस तरीके का बात उठा है, इस्तीफा कहाँ दिया है उन्होंने? हमारी तो पिताजी से भी कल बात हुई, उन्होंने तो इस बात को खंडन करने का काम किया। उन्होंने आप ही से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमसे क्या नाराजगी है, हम क्या हैं जो हमसे नाराजगी करेंगे? वो आप तो अंकल सब से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, वो नाराजगी उन्हीं से है। नहीं तो क्या कह रहे हैं वो नाराजगी, मतलब नाराजगी कैसा होता है? नाराजगी चिल्लाने वाला नाराजगी होता है, कैसा नाराजगी का बात कर रहे हैं आप, बताइए बताइए। तो जगदानंद सिंह बने हुए हैं ना आपके साथ? हमारे साथ पूरे पार्टी के साथ हैं, सबके साथ हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से चिराग पासवान लगातार पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे? देखिए नौजवान हैं वो, और अपने तरीके से सब लोग हैं समाज में और काम कर रहे हैं, तो नौजवान है तो नौजवान नौजवान का साथ देता है। महागठबंधन में उनको शामिल करिए सर। महागठबंधन में तो आप मीडिया के लोग भी शामिल हो सकते हैं। थैंक यू। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों विपक्ष की ओर से लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार के काम हैं उससे जनता खुश नहीं है, और तस्वीरें साफ तौर पर बयां हो रही है। विपक्ष की ओर से लगातार अलग अलग जगह की तस्वीरों को साझा कर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, चाहे हम शिक्षा की बात करें, अस्पतालों की बात करें, या फिर बेरोजगारी की बात करें, हर समस्या चरम पर दिखाई दे रही है। लोग परेशान हैं, जनता परेशान है। ऐसे में हसनपुर विधायक यानी कि तेज प्रताप यादव अपनी सक्रियता को बढ़ाते हुए अब लगातार वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि हसनपुर के दौरे पर एक बार फिर निकल चुके हैं और अपने सरकारी कामों को वो देखेंगे कि किस प्रकार वहां पर सब कुछ ठीक है या नहीं, और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर सवाल खड़े किए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान हसनपुर विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने लगातार अस्पतालों का दौरा किया। अस्पतालों में जो भी नाकामियां सरकार की देखने को मिली, चाहे हम गंदगी की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर की अनुपलब्धता की बात करें, या फिर हम बात करें बेड की सुदृढ़ व्यवस्था ना होने की, इन तमाम तस्वीरों को उन्होंने सामने लाकर बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। और अगर 25वें स्थापना दिवस की बात करें तो उस दौरान भी उन्होंने सरकार को लेकर कई तरह की बातें की कि जो व्यवस्था दिखाई देती है वो कहीं से भी सही नहीं है, जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर
खबर में इतना ही। हसनपुर विधायक जब हसनपुर पहुंचेंगे, जो भी तस्वीरें वहां से सामने आएगी वो हम आप तक जरूर लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।